यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, बिटकॉइन में कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं टेक्निकल चार्ट की मदद से। एकदम शॉर्ट में हम देखेंगे, देखिए कभी भी बिटकॉइन अगर क्रैश होता है, मतलब एक बड़ी गिरावट होती है, तो जैसे अपना बेस बनाता है, मतलब एक सपोर्ट बनाता है। जैसे देखिए यहाँ पर बिटकॉइन गिरावट हुआ था, तो यहाँ गिरावट के बाद देख सकते हैं कि अपना सपोर्ट बनाया, तो बार बार मतलब इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता था, यहाँ से रिवर्स होता था और फिर एक रेंज बनाया। और ये रेंज देखिए यहाँ पर जो बिटकॉइन यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, उसके बाद जबरदस्ती यहाँ से तेजी दिखाया और 29,000 से यहाँ पर 51,000 का हाई बनाया, तो काफ़ी ज़बरदस्त ये रैली था। तो इसी तरह से कभी कोई फिर गिरावट आता है, तो आप वहाँ पर जैसे अपना सपोर्ट बनाता है बिटकॉइन, वहाँ पर आप एक ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा चालू किया है, अभी मैंने कुछ अमाउंट, छोटा सा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया, तो आपको भी एकदम छोटा अमाउंट ही इन्वेस्ट करना है अपने पोर्टफोलियो का, 1% 2% मात्र यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि बिटकॉइन काफ़ी वोलेटाइल होता है और इसमें आपको समय समय पर प्रॉफिट भी बुक करते रहना है, अगर कभी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है तो। अगर बिटकॉइन के वोलेटिलिटी की बात करें, देखिए पीछे काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा है, यहाँ जो 2020 से जो रैली दिखाया था, तो 4,000 से बिटकॉइन जो रैली किया था लगभग 63,000 तक, तो इतना ज़्यादा यहाँ पर रैली दिखाया था और फिर यहाँ से एक ज़बरदस्त क्रैश हुआ और 29,000 आने के बाद फिर से 51,000 यहाँ पर पहुँच चुका है। अगर यहाँ पर 51,000 के ऊपर बिटकॉइन सस्टेन करता है तो फिर ये गजब का तेजी ऊपर दिखा सकता है, जहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा 65,000 का होगा। अगर 65,000 के ऊपर बिटकॉइन निकलता है तो वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर एक ज़बरदस्त और तेजी दिख सकता है, जो कि इसको 1,00,000 के आसपास ले जा सकता है। ये सारा वैल्यू जो है वो डॉलर में है, अगर आप रुपीज में देखते हैं तो ये वैल्यू डिफरेंट होगा।